राम राम साहब, जय माता जी की। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल हिस्टोरिकल नॉलेज पर। फिर हाजिर है आपके बीच में एक नई ऐतिहासिक बात के साथ, एक नए वीडियो के माध्यम से। सजनों, बात करेंगे आज भूमिया जी महाराज के बारे में। कौन है भूमिया जी महाराज, क्यों की जाती है इनकी भारत भूमि के अंदर पूजा। आज बात करेंगे अपने भारत भूमि के अंदर सर्वप्रथम जो भूमिया जी महाराज हुए, रूण के भूमिया जी सिंहणदेव जी सांकला। रूण जो नागौर जिले में स्थित है, रूण गांव जिसका प्राचीन काल में नाम तांबावती नगरी था और बाद में उसका नाम बदलकर कोयलापाटन रखा गया। कोयलापाटन के राजा अनंतराज जी के घर भूमिया जी महाराज का जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1271 में आसो शुद्धी चौदस को सोमवार के दिन भूमिया जी महाराज का जन्म हुआ था। इनकी माता सोलंकी रानी थी। जब भूमिया जी महाराज का जन्म हुआ तब महल के अंदर जोशी जी को बुलाया गया। जोशी जी को बुलाकर पूछा गया कि इस बालक के आप नक्षत्र बताइए, कौन सी घड़ियों में कौन से नक्षत्रों में इस बच्चे का जन्म हुआ है और आगे जाके इसका क्या जीवन फल रहेगा। जब जोशी जी महाराज महल के अंदर आते हैं और अपनी पाटी पोती खोल कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये बालक तो बहुत ही तेजस्वी है, आगे जाकर ये बहुत ही बड़ा शूरवीर योद्धा होगा। तब वो उनके परिवार वालों को बताते हैं कि इस बालक का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र के अंदर आसो शुद्धी चौदस को सोमवार के दिन हुआ है। इस बच्चे का नाम सिंहणदेव जी रखा जाए और ये बच्चा आगे जाकर भूमिया जी के नाम से विख्यात होगा, बिना सीज रण के अंदर लड़ाई लड़ेगा। तब उनके परिवार वालों को चिंता होती है कि भाई ये बच्चा तो अभी जन्मा है और जोशी जी ये पहले ब्राह्मण देव बता रहे हैं कि ये तो आगे जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा रण के अंदर। तब वो जोशी जी से कहते हैं, एक ब्राह्मण देव आप ऐसा करिए कि इस बच्चे का जो नामकरण किया है वो आप बदल दीजिए, इसका नाम कुछ दूसरा रख दीजिए, शायद ऐसा करने से इसके जो कर्म फल है, आगे आने वाली जो कर्म गति है वो टल जाए और इसके नक्षत्र थोड़े चेंज हो जाए। तब जोशी जी ने कहा कि ये कोई कागज का पन्ना नहीं है जो मैं लिखा हुआ मिटा सकूं, ये तो विधाता ने जो लेख लिख दिए वो तो होना ही है, आगे जाके ये घटना तो घटित होनी है। तब उनके परिवार वालों ने विचार किया कि भाई राजपूत तो युगों युगों से युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होते आए, ये तो क्षत्रिय धर्म है, इस बात का दुख नहीं करना चाहिए, इस बात की तो खुशी मनानी चाहिए। उन्होंने भूमिया जी महाराज का नाम सिंहणदेव जी सांकला रख दिया। सिंहणदेव जी बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र में बहुत ही रुचि रखते थे। उन्होंने बचपन से ही शस्त्र विद्या का बहुत ही अच्छा अध्ययन कर दिया था। बच्ची, ढाल, कपाण, कटारी, भाला आदि की विद्या में वो बहुत ही निपुण हो गए थे। एक बार सिंहणदेव जी अपने राजदरबार में बैठे थे, बचपन में ही साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे। तब उन्होंने अपने साथियों और मंत्रियों से पूछा कि मैं ऐसे कौन से देवता की पूजा करूं जो युद्ध के अंदर मुझे युद्ध में सहयोग करे। तब उनके साथियों और मंत्रियों ने बताया कि आप ऐसा करिए, माँ भगवती चामुंडा की आराधना कीजिए। माँ भगवती चामुंडा ही ऐसी है जो युद्ध के अंदर आगेवाणी रहती है, सबसे अगवाणी वो माँ चामुंडा और माँ काल का है। सिंहणदेव जी ने बचपन से ही माँ भगवती चामुंडा की आराधना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर लिया था। तब भगवती माँ चामुंडा ने सिंहणदेव को वरदान देते हुए कहा था, सिंहणदेव तेरी टक्कर का योद्धा इस भारत भूमि में नहीं होगा और युद्ध के अंदर तेरा सामना कोई भी योद्धा नहीं कर पाएगा। माँ भगवती से वरदान पाकर सिंहणदेव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और सिंहणदेव जी के 5 रानियां थी। उस टाइम में दिल्ली के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का शासन चलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी कुप्रथा चला रखी थी, एक ऐसा नियम बना दिया था कि जिनके यहाँ भी नई शादी होगी उनका डोला बादशाह के हरम में जाएगा, बादशाह के महल में डोली जाएगी और वो जब चाहे जिसके घर से डोली बुलवा लेता था। डोली का मतलब ये होता है जिसके यहाँ भी नई शादी होती है या बादशाह की नज़र जिस भी औरत पे पड़ जाती थी, उनको अच्छी बात आती थी, तब वो उनके यहाँ से डोला मंगवाते थे। उनकी औरत को डोली के अंदर बिठा कर बादशाह के हरम में भेजा जाता था और जब बादशाह का मन भर जाता था तब वो उनको वापस भेज देता था। ये क्रिया उस टाइम चल रही थी। तब उनको पता चला कि भाई सिंहणदेव जी की रानी है वो बहुत ही खूबसूरत है। तब बादशाह ने रानी पद्मनी के ऊपर जैसी नज़र डाली थी, उसी प्रकार से कोयलापाटन नगरी में सिंहणदेव जी को ये संदेश भेजा कि आप ऐसा करिए, हमारे यहाँ पे डोला भिजवाइए, नहीं तो आप हमसे युद्ध करने को तैयार हो जाइए। तब सिंहणदेव जी और उनके भाइयों के बीच में ये चर्चा हुई कि भाई बादशाह का संदेश आ गया, उन्होंने डोला भिजवाने को बोला है, हमें डोली भिजवानी पड़ेगी, अब क्या किया जाए। तब सिंहणदेव जी ने कहा कि भाई मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी हिंदू की लड़की को उसके यहाँ पे नहीं भेजूंगा। तब उनके भाइयों ने कहा कि भाई उसकी बादशाह की फौज बहुत बड़ी ज़्यादा है और आप उससे लड़ नहीं सकते, बादशाह की फौज का हम सामना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी संख्या बहुत ही कम है। तब सिंहणदेव जी ने अपने भाइयों से कहा था कि गज थके नहीं गज केसरी और मर्द थके नहीं मजबूत, सिंहण थके नहीं सांकलो रणबंको रजपूत। सिंहणदेव जी उनमें से नहीं है जो बादशाह की बड़ी फौज को देखकर डर जाए, मैं उनमें से हूँ जो अकेले बादशाह की पूरी फौज का सामना कर सकता हूँ। तब उनके भाइयों ने कहा भाई युद्ध करके हमें क्या करना है, युद्ध करके फालतू में इतनी बड़ी बहस होगी, इतना नरसंहार होगा, उससे अच्छा ये करते हैं बादशाह के साथ में कुछ कपट कर देते हैं। तब सिंहणदेव जी ने क्या किया, महल के अंदर जो एक दासी थी जो महल के झूठे बर्तन साफ करती थी, घोड़ों की लीद साफ करती थी, उसको रानी बना करके बादशाह के साथ निकाह कर दिया और बादशाह के साथ भेज दिया। उसको बोला कि भाई बादशाह को ये पता नहीं चलता चाहिए कि तुम कोई सांकलों के वंश की नहीं हो, उनको यही बताना भाई मैं सांकला वंश की हूँ और ये सब मेरे भाई है। दासी को तो कोई तकलीफ थी नहीं क्योंकि दासी तो कोयलापाटन में घोड़ों की लीद साफ करती थी, महल के झूठे बर्तन साफ करती थी और उसकी जब शादी दिल्ली के बादशाह से करवा दी गई तो वो तो बेगम बनकर आराम से रहने लगी। इसी प्रकार से समय चलता गया और दासी गर्भवती हो गई।
9 महीने पूर्व हुए लेकिन दासी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। दासी को प्रसव पीड़ा लग गई थी, वो पीड़ा के मारे मर रही थी। बादशाह ने अपने सभी काजी हकीमों को बुला लिया, अच्छे से अच्छी दाई को बुला लिया और दिखा दिया, लेकिन उस दासी के पेट से बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था। प्रसव पीड़ा में वो मरी जा रही थी। तब बादशाह की बाकी बेगमों ने आकर पूछा, सांकली रानी तुझे तकलीफ क्या, किस कारण से तेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है? अच्छे से अच्छे काजी हकीमों को तुझे बता दिया, अच्छे से अच्छी दाई को तुझे दिखा दिया, लेकिन फिर भी तेरी प्रसव पीड़ा नहीं मिट रही है। तब दासी ने उन बेगमों से कहा कि मेरी नगरी के अंदर महल के अंदर जो शिवकुंड है उसका पानी लाकर जो मुझे पिला दिया जाए तो मेरी प्रसव पीड़ा मिट जाएगी, मेरी वेदना खत्म हो जाएगी और बालक का जन्म हो जाएगा। जब ये बात बादशाह को पता चली तो उसने अपने घुड़सवार को बुलाया और घुड़सवारों से कहा कि अपने तेज दौड़ने वाले घोड़ों के साथ में कोयलापाटन नगरी जाओ और वहां से शिवकुंड के अंदर से जल की जाली भर के लेकर आओ ताकि बेगम की प्रसव पीड़ा मिट सके। अब वहां से घुड़सवार आते हैं कोयलापाटन नगरी में। कोयलापाटन नगरी में रात के समय में वो पहुंचते हैं तो वहां पे नगरी के द्वार बंद हो जाते हैं, महल के दरवाजे बंद करके द्वारपाल वहां पे पहरा दे रहे थे। अब द्वारपाल थे कुछ ऐसे ही मजाकी टाइप के। अब घुड़सवारों ने जाकर कहा कि सांकली रानी के प्रसव पीड़ा नहीं मिट रही है, उनकी वेदना खत्म नहीं हो रही है, आप ऐसा करिए कि दरवाजे खोलकर महल के अंदर से शिवकुंड से जल की जारी भर करके हमें दे दीजिए, हमें जल्दी से जल्दी वहां पे लेके जाना है। तब उनमें से एक द्वारपाल ने मजाक मजाक के अंदर जो गंदी नाली में पानी बह रहा था, महल के बाहर जो आ रहा था, वो पानी भरकर उनको दे दिया कि ये जो पानी है वो शिवकुंड के अंदर से ही होकर आ रहा, आप ये पानी लेकर जाओ और ऐसी सांकली रानियां चाहिए तो हमारे यहाँ 4-5 और उनको भी लेकर जाओ, बादशाह को बोलना उनका भी निकाह हम आपसे करवा देंगे। घुड़सवार वापस दिल्ली आते हैं और जारी के अंदर से पानी छानकर बेगम को पिलाया जाता है। पानी पीते उसकी प्रसव पीड़ा मिट जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन वो जारी के अंदर देखती है तो उसे थोड़ा कीचड़ नजर आता है। तब वो घुड़सवारों को बुलाकर पूछती है, भाई इस पानी के अंदर कीचड़ क्यों है, शिवकुंड का पानी तो बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। तब उन्होंने कहा कि भाई ये जो पानी है वो नाली के अंदर से हमें निकाल के दिया गया कि ये पानी है वो शिवकुंड से होकर ही आ रहा है, महल के दरवाजे रात के टाइम में नहीं खोले जाएंगे। तब उस दासी के मन में ये चिंता हो गई कि अगर मैं भी किसी राजा की पुत्री होती, अगर सांकली रानी होती, उनकी बहन होती, तो मेरे लिए रात के टाइम में महल के दरवाजे खोले जाते और मुझे ये नाली का पानी नहीं पीना पड़ता, मेरे लिए नाली का पानी भेज दिया। इस बात की उसे चिंता जताने लगी और वो रोने लगी। जब बादशाह को पता चलता है कि भाई उनके यहाँ कुंवर का जन्म हुआ है, तब वो जाते हैं अपने शहजादों को देखने के लिए। बादशाह जैसे ही महल के अंदर जाता है तो वो देखते हैं कि रानी तो बैठी बैठी आंखों से आंसू बहा रही है। तब उनसे पूछना, सांकली रानी आपको हुआ क्या है? तब भी कोई जवाब नहीं मिलता। फिर पूछते हैं, सांकली रानी आपको हुआ क्या, क्या तकलीफ हुई, किस कारण से रोए, किसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, आप हमें बताएं, हम उसका सर कलम कर देंगे। तब दासी ने कहा कि मैं कोई सांकली रानी नहीं हूं और बार बार मुझे आप मुझे सांकली रानी कहना बंद कर दीजिए, मेरी जात सांकला नहीं है, मैं तो एक दासी हूं जो उनके महल के अंदर झूठे बर्तन साफ करती थी और घोड़ों की लीड डालती थी, मुझे तो रानी बनाकर आपके साथ निकाह करवा के भेज दिया गया। ये बात सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया और उसने महल के अंदर युद्ध के नगाड़े बजाने का आदेश दे दिया कि युद्ध की तैयारी की जाए, हम कोयलापाटन नगरी के ऊपर हमला करने वाले हैं। तब उनकी एक जो बेटी थी उन्होंने आकर समझाया कि आप क्या कर रहे हो पिताजी, अभी तो हमारे यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, मेरा भाई हुआ है और आप है जो युद्ध के नगाड़े बजा रहे हो, बात क्या हुई? खिलजी ने कहा कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ दासी की शादी करवा दी, मैं कोयलापाटन जाके शीण देव का सर कलम कर दूंगा, इस धरती पे मेरे से बड़ा कोई शूरवीर योद्धा नहीं है। शहजादी ने कहा, पिताजी आप सीधे कोयलापाटन नगरी के ऊपर हमला करने मत जाइए, मैंने सुना है शीण देव सांकला बहुत ही बड़ा शूरवीर योद्धा है और उसको माँ भगवती से वरदान प्राप्त है, भाई उसके सामने रण में कोई टिक नहीं सकता। तब बादशाह ने कहा, मेरे से बड़ा शूरवीर योद्धा वो कभी हो नहीं सकता। तब शहजादी ने कहा कि हमारे जो सेनापति बद्रुद्दीन है उनका धर्मेला किया हुआ है कोयलापाटन नगरी के अंदर, आप ऐसा करिए बद्रुद्दीन शाह को भेज दीजिए। तब बादशाह को गुस्सा आ जाता है कि तू कब से हमारे शत्रु के गुणगान कर रही है, ऐसा कर तू भी बद्रुद्दीन के साथ जा मर। ये कहकर खिलजी शहजादी और बद्रुद्दीन दोनों को कोयलापाटन नगरी भेजता है शीण देव से बात करने के लिए। अब शीण देव से बात करने के लिए जब वो कोयलापाटन नगरी में आते हैं तब बद्रुद्दीन उनको बताते हैं कि भाई आपसे लड़ने के लिए बादशाह की पूरी फौज आ रही है, बादशाह आपको लड़ने के लिए मरने मारने पे उतारू हो चुका है, आपने उनके साथ धोखा किया है, आप ऐसा करिए बादशाह के यहाँ डोला भिजवा दीजिए। तब शीण देव ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बादशाह के यहाँ पे डोली नहीं भिजवाई जाएगी, मैं डोला नहीं भिजवाऊंगा। तब सेनापति ने कहा, आप मेरी बात मान लीजिए, ऐसा कीजिए आप उनकी शादी करवा दीजिए किसी से, नहीं तो फालतू में नगरी के अंदर खून खराबा होगा, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तब शीण देव ने सेनापति को कहा कि लागे कुल में दाग दिल्ली डोला भेजता, अरे सिंह खाल मणदर मणि नहीं कोई जिंदा लेवता, शेर की खाल कभी कोई जीते जी नहीं ले सकता, जब तक शेर जिंदा है उसकी कोई भी खाल नहीं उतारी जा सकती और मणदर की मणि कोई भी नहीं ले सकता जब तक कि वो नाग जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर डोला नहीं भिजवाया जाएगा और बादशाह यहाँ आकर किसी भी हिंदू स्त्री के साथ में निकाह
नहीं कर सकता, ये मेरा वचन है। तब सेनापति सिंहदेव से कहते हैं कि आपको बादशाह ने दिल्ली बुलवाया, आप ऐसा करिए हमारे साथ में दिल्ली चलिए। तब सिंहदेव जी सेनापति के साथ में दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ पे डोली भिजवाइए, नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब सिंहदेव ने कहा कि मैं लड़ने मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन युद्ध के डर से मुझे मत डराओ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, तुम्हारे दिल्ली में डोला नहीं भेजा जाएगा। तब बादशाह ने कहा ठीक है, डोला नहीं भेजा जाएगा, पहले के हमारे यहाँ पे संबंध है। सेनापति ने कहा भाई मेरे भी धर्म लग गया हुआ है, आप मेरी तरफ देखिए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसी बात है, डोला नहीं भिजवाते, मान लिया, लेकिन एक आदेश तुमको मानना होगा कि तुम्हारी जो रानी है मैंने सुन रखा है वो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे खाली उनका एक बार रूप दिखा दो। तब सिंहदेव जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो तुम, रूप दिखाने की बात करता है तू दिल्ली का नवाब होकर के, तो मेरी बात कान खोल के सुन ले कि शायद भगवान सूर्य पूर्व से उगे और पश्चिम में मेरी रानी महल पे खड़ी और उसकी छाया गिर रही हो। पूर्व से सूर्य उगे महल के ऊपर खड़ी मेरी रानी की छाया पश्चिम में गिर रही हो, उसकी छाया तक का स्पर्श मैं तुझे नहीं होने दूंगा, ये बात कान खोल के अपने जहन के अंदर उतार ले। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा हो गया, तो ऐसा कर मरने के लिए तैयार हो जा। तब सिंहदेव जी ने भरे दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देते हुए कहा कि क्या औकात तेरी बादशाह, लड़े तो मुझसे आए, अरे पाटन नगरी माए विनय तपे सिंहदेव राय, दाढ़ी मूछ काटूं तेरी छूड़ी दूं पहनाए, और तिरिया रूप बनाए के तन दिल्ली दूं भिजवाए। कहाँ तू बात कर रहा है, तेरी दाढ़ी मूछ कलम करके चूड़ियां पहना के वापस स्त्री का रूप बनाकर दिल्ली भेज दूंगा, अगर जो कोयला पाटन नगरी के ऊपर तूने खराब नजर भी डाली तो। ये बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने कहा फिर जा युद्ध की तैयारी कर, मैं अब आकर कोयलापाटन नगरी से ही तुझे बंदी बनाकर लाऊंगा और तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। तब सिंहदेव जी वापस अपने कोयलापाटन नगरी में आते हैं और आकर अपने भाइयों के बीच में जजम डाल के बैठते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि भाई ऐसा है अब युद्ध की तैयारी कर लो, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। अब उनके भाइयों ने कहा सिंहदेव ये तूने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो किसी की शादी करवा के बादशाह का निकाह करवा देते और उनके यहाँ पे डोला भेज देते, अब फालतू में खून खराबा होगा। तब सिंहदेव ने कहा कि मेरे जीते जी अगर हिंदुवाणी चली जाए तो मेरा जीना व्यर्थ है। उधर बदरुद्दीन और शहजादी अलाउद्दीन खिलजी को समझाते हैं कि आप ऐसा करिए पिताजी, आप एक नगरी से अगर डोला नहीं मंगवाएंगे तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा, हमारे पहले भी संबंध रह चुके हैं, सेनापति के भी वहाँ पे धर्मेला किया हुआ है, आप ऐसा काम मत करिए। तब बादशाह ने कहा ऐसा करो तुम दोनों भी मर जाओ सिंहदेव के पीछे, नहीं तो तुमको भी मौत के घाट उतार दूंगा। उनको राज से बाहर निकाल दिया गया। तब शहजादी और बदरुद्दीन वापस घोड़े पे सवार होकर के कोयलापाटन नगरी आ जाते हैं सिंहदेव की शरण में। अब सिंहदेव को आकर कहते हैं भाई युद्ध का ऐलान हो चुका है, अब मेरे पिताजी है वो फौज लेकर आ रहे हैं। सिंहदेव जब ये बात सुनता है तब सोचता है कि भाई मेरे भाई तो कोई युद्ध में लड़ने को तैयार ही नहीं है, वो अपने भाइयों से बात की, भाई ने कहा भाई हम तो नहीं लड़ सकते क्यों, बादशाह की फौज है बहुत ही बड़ी। तब उनके भाइयों ने कहा सिंहदेव अलाउद्दीन खिलजी की नवतुंबा फौज है, टोटल 22 लाख की फौज अलाउद्दीन खिलजी के पास है और हम तो मुट्ठी पर है, हम क्या उसके सामने टिक पाएंगे, हम तो युद्ध नहीं करने वाले हैं। तब सिंहदेव ने कहा भाई आप कैसे राजपूत हो जो युद्ध से मुंह फेर रहे हो। इस बात का गुस्सा जब सिंहदेव को अपने मन के अंदर आ जाता है, वो जाकर माँ भगवती के मंदिर में पूजा करने लग जाते हैं और माँ भगवती से कहते हैं कि माँ ये कैसी परीक्षा की घड़ी है कि मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं है, मेरे कोई भाई मेरे साथ लड़ने को तैयार नहीं हो रहे, अब मेरे पास भी कुछ बचा नहीं है। तब माँ भगवती को वो कहते हैं ऐसा है कि मेरे जीते जी अगर हिंदुवाणी चली जाए इससे ज्यादा तो मेरा मरना ही बेहतर है, मैं मर जाऊंगा युद्ध के अंदर काम आ जाऊंगा, लेकिन मरूंगा तो शूरवीरता के साथ लड़ते लड़ते। ये कहकर सिंहदेव अपना शीश काट देते हैं और शीश काट कर माँ भगवती के चरणों में रखने ही वाले थे, उससे पहले माँ भगवती चामुंडा प्रकट हो जाती है, कहा सिंहदेव ये कैसी गलती कर रहा है, अरे सिंहदेव तू अगले जन्म का जगदेव परिवार है जिसने शीश का दान दिया था। तब सिंहदेव जी से माँ चामुंडा ने कहा बेटा अभी इतना भी विश्वास नहीं रहा मुझ पर, अरे थोड़ा मन में धैर्य रख, जब फौज आएगी ना तब 64 जोगनियों 52 भैरू और 52 वीरों के साथ में माँ भगवती खुद तेरे साथ में युद्ध लड़ने के लिए उतरेगी मैदान के अंदर, तू चिंता करनी छोड़, ये शीश ले जाकर अपनी माँ को दे देना और उनको बोलना कि ये शीश धरती के ऊपर ना रखे। तब सिंहदेव जी जाकर अपना शीश हाथ में लेकर माँ को दे देते हैं कि माँ ये मेरा शीश पकड़ और मेरा सिर धरती के ऊपर मत रखना जब तक मैं युद्ध लड़के वापस ना आ जाऊं। उधर कोयलापाटन नगरी को चारों तरफ से बादशाह की फौज ने घेर लिया, 22 लाख की फौज थी सजना, लेकिन मैं ये नहीं कहता 22 लाख की फौज, इतिहास ऐसा कहता है, रूणगढ़ का वहां पे जाके देखा तो ये पता चलता है कि भाई 22 लाख की फौज थी उस टाइम में, मैं ये कहता हूँ 22,000 की फौज थी, 22,000 भी छोड़ो 2,200 जने थे, लेकिन 2,200 जनों पे भी एक बंदा भारी पड़ गया, ये कितनी महान शूरवीरता की बात है, 22,000 की फौज तो आप मानकर चलो। जब सिंहदेव जी युद्ध के लिए रवाना हुए तब उनकी रानियों ने कहा भाई आप तो युद्ध के लिए वीर गति को प्राप्त होने को जा रहे हैं अपना शीश उतार के, और हम यहाँ पे जिंदा रहकर क्या करेंगे, हम भी आपके पीछे सती हो जाएंगे, आप ऐसा करिए अपने हाथों से हमारे भी शीर उतार के जाइए। तब सिंहदेव जी ने तलवार से 5 रानियों के मस्तक उड़ा दिए थे और 5 रानियों के कुमकुम के हाथों के निशान महल की दीवारों पे बन गए थे। ये माजरा जब शहजादी ने देखा
तो उसने मन में सोचा कि मैं पीछे जिंदा बचकर क्या करूंगी। उसने शेरदेव से कहा कि मैंने मन ही मन तुमको अपना पति मान लिया है, अगर अपनी पांचों रानियों के शीश उतार दिए तो मेरा भी शीश उतार कर जाओ। तब शेरदेव ने शहजादी का भी सिर कलम कर दिया, शहजादी का शीश उतार दिया, पांचों रानियों के हाथों के कुमकुम के निशान बन गए थे और जो छठी थी शहजादी उसके हाथ का मेहंदी का निशान वहाँ पे महल की दीवार पे बन गया था। उन छह सतियों के हाथों के निशान आज भी रूणगढ़ की दीवारों पे मौजूद है। रानियों के शीश उतार कर शेरदेव युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो गए। निकलने को जैसे रवाना हुए तब बद्रुद्दीन भी उनके साथ में रवाना हो गया, जो बादशाह का सेनापति था खिलजी का। उसने कहा भाई मेरे यहाँ पे धर्मेला क्या हुआ है, और भाई एक मुसीबत में और दूसरा नहीं चले, ऐसा हो नहीं सकता। सजनो हम जातिवाद की बात करते रहते हैं, हम हिंदू हैं तुम मुसलमान हो, इस बात को लेकर आए दिन इस देश में दंगे होते रहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की एकता के हजारों किस्से इस धरती के ऊपर घटित हो चुके हैं, जिनके बारे में हमें कभी बताया भी नहीं गया और जिनके बारे में कभी हमें पढ़ाया भी नहीं जाता है। ऐसा ही एक किस्सा कोयलापाटन नगरी में भी घटित हुआ था, जब बद्रुद्दीन जो बादशाह का खास सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी के सामने लड़ने को तैयार हो गया था अन्याय के विरुद्ध शेरदेव सांकला के साथ में। शेरदेव जी और बद्रुद्दीन रण मैदान के अंदर जाते हैं, तब बादशाह कहता है कि शेरदेव अकेला आ गया तुम लड़ने के लिए, तुम दो जने हमसे क्या लड़ पाओगे। शेरदेव ने कहा मैं अकेला ही तुम्हारी सारी फौज के लिए काफी हूँ, वो चिंता तू छोड़ दे। तब शेरदेव माँ भगवती का आह्वान करते हैं कि माँ भगवती मुझे अब आपकी जरूरत है, आप रण मैदान में मेरी लाज रखो। भगवती चामुंडा 52 भैरू 66 जोगनियों 52 वीरों के साथ में युद्ध में लड़ने के लिए शेरदेव के साथ आ जाती है, अपनी पावर शेरदेव जी को दे देती है। शेरदेव सांकला और बादशाह की सेना में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, मार काट हुई, हजारों के शीर्ष शेरदेव सांकला ने उठा दिए, सेना का नरसंहार करना शुरू कर दिया, खून से पूरी धरती लाल हो गई, रक्त की नदियां बहने लगी, बादशाह की सेना के पैर उकड़ने लगे, भाई ये बिना सिर का आदमी तो सबको मार डालेगा। अपनी मौत को नजदीक आते देख अलाउद्दीन खिलजी के रोंगटे खड़े हो गए, उसे लगा कि अब शेरदेव मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, शेरदेव पक्का मुझे मारकर छोड़ेगा। तब बादशाह ने अपनी सेना के साथ भागने का विचार कर लिया, लेकिन शेरदेव ने उसकी फौज का भागते हुए भी पीछा किया और नरसंहार चालू रखा। आधे से ज्यादा फौज का जब कत्लेआम हो गया, सारी सेना को शेरदेव ने मार गिराया। शेरदेव ने भागते हुए अलाउद्दीन खिलजी को पकड़ लिया और उसके दादी मुझे काट दी, और अलाउद्दीन खिलजी से कहा बता अब तेरे साथ क्या करूं, तेरा सिर काट के अलग कर दूं धड़ से। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं तेरी गोरी गाय हूं, मुझे माफ कर दे, मेरे से भूल हो गई, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और कभी तेरी नगरी के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। तब शेरदेव ने बादशाह को हाथों में चूड़ियां पहनाकर उस सिर के ऊपर चुंदड़ी ओढ़ाकर अलाउद्दीन खिलजी को वापस भेज दिया। हमने साहब इतिहास के अंदर सिर्फ बाबर हुमायूं अकबर की महानता के किस्से सुने, लेकिन ऐसे शूरवीरों की गाथा हमको इतिहास के अंदर नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि अगर ये इतिहास हमने पढ़ लिया ना साहब तो हमारे शरीर के अंदर थोड़ी बहुत भी कायरता नहीं रहेगी, हर एक हमारी आने वाली जो पिंडी है वो सब की सब मर्द पैदा होगी। इसी डर से हमारे इतिहास को दबा दिया गया कि अगर हिंदुओं को कमजोर करना है तो उनका इतिहास मिटा दो, अगर वो अपना इतिहास ही नहीं जानेंगे तो उनके अंदर शूरवीरता अमीरात खमीरात दातारी ये सब बातें आएगी कहाँ से साहब। इसीलिए हमारे इतिहास को दफन कर दिया गया, हमारे इतिहास को मिटा दिया गया। हम जो भी पढ़ते आए अकबर महान था, बाबर हुमायूं यही इनके बारे में जानते आए हैं, लेकिन ऐसे जो छूरवीर हैं रूणगढ़ के भोमियाजी हुए, शेरदेव जी सांकला, वीरमदेव सोनग्रा, इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया गया हमारे किताबों के अंदर भी। शेरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को तो औरत बना के चूड़ियां पहना करके वापस दिल्ली भेज दिया, उसको जिंदा छोड़ दिया, लेकिन इस युद्ध के अंदर बद्रुद्दीन शाह है जो वीर गति को प्राप्त हो गए, इस युद्ध में काम आ गए, जिनकी मजार आज भी रूणगढ़ के अंदर स्थित है, वहां पे हर वर्ष मेला लगता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो मजार, आज भी बाबा की दरगाह के ऊपर हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग जाते हैं, पूरी रूण नगरी जाती है और अपना शीश नमाती है। इधर शेरदेव जी अलाउद्दीन खिलजी की फौज को हरा करके वापस अपनी नगरी कोयलापाटन की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में गोवा गांव में आते वक्त में छिपा जो होते हैं रंगरेजा अपने कपड़े रंगने का कार्य कर रहे थे, और कपड़े रंगने का कार्य करते समय एक छींटा शेरदेव जी की धड़ को जाकर लग गया, जिसके कारण उनकी धड़ वहीं पे गिर गई। और इधर इस साइड में उनकी माता को ये लगता है कि भाई मेरा बेटा युद्ध में लड़ने के लिए गया है, सारी अलाउद्दीन खिलजी की फौज यहाँ से भाग चुकी है, तो अब मेरा बेटा युद्ध से वापस आ रहा होगा। उसने दासियों से कहा कि आप ऊपर चढ़ के देखो भाई मेरा बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब दासियों ने कहा कि भाई आपका बेटा तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन खेतों के अंदर उनका भाला नजर आ रहा है, रेत का बवंडर बना हुआ है और घोड़े की हिंडनाट सुनाई दे रही है और उनका भाला पलक रहा है बीच में से। तब उनकी माता उसको देखने की उत्सुकता के साथ में ही उनका शीश भूल में धरती पे रख करके महल के ऊपर चढ़ गई। इधर माता ने शीश धरती पे रखा और उधर उनकी धड़ को गोली का छींटा लग जाता है और धड़ वहीं पे गोवा कांकड़ के अंदर गिर जाती है घोड़े से नीचे। तब वो शीश माँ को बोल के कहता है कि माँ तूने ये बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, अगर तूने ये अन्याय नहीं किया होता तो मैं और कुछ इस धरती पे बड़ा नाम करके दिखाता, लेकिन अब ये धड़ और मस्तक वापस से
मिल नहीं सकते, ये धड़ और मस्तक दोनों जुदा हो गए हैं। और मैं श्राप देता हूँ कि कोयलापाटन नगरी के अंदर सिपा माली रंगरेजा सांकला ये जाति कभी नहीं बस पाएगी। तब माँ ने कहा, बेटा ऐसा अन्याय मत कर। तब सिंह देव ने कहा, माँ आप इस कोयलापाटन नगरी का नाम बदलवा कर रूण करवा देना। रूण के अंदर ये जातियाँ आ तो सकेगी लेकिन स्थायी निवास कभी नहीं कर पाएगी, आ जा जरूर सकेगी। और बाद में वो नगरी रूण के नाम से प्रसिद्ध हुई। नागौर में गोटन से 35 किलोमीटर दूर रूण गांव स्थित है। वहां पे श्री भोमिया जी महाराज का बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। रूण नगरी के अंदर में भोमिया जी महाराज के शीश की पूजा की जाती है। और वहां से 25 किलोमीटर दूर गोवा गांव की काकड़ के अंदर गोवा गांव के अंदर भोमिया जी महाराज के धड़ की पूजा की जाती है। सजनों, ऐसे सूरवीर योद्धा जो राजस्थान की धरती पे हुए थे, इस भारतवर्ष की पावन भूमि धरा पे हुए थे, इन सूरवीर योद्धाओं को बार बार हम नमन करते हैं। और एक एक दंत कथा प्रचलित हो गई कि सूरमा चढ़िया गाया वाली वार, गायों रिवारों में सुरा हो गया। लेकिन सजनों, भोमिया जी महाराज जो सर्वप्रथम राजस्थान की धरती पे हुए थे, रूणगढ़ के भोमिया जी सिंह देव जी सांकला हुए थे, उन्होंने गायों की वार तो अपने जीवन काल में कई की थी। गायों को कई बार वो छुड़ा कर लेके आए गए थे। लेकिन वीर गति को विक्रम संवत 1311 में आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को सिंह देव जी सांकला वीर गति को प्राप्त हो गए और संपूर्ण भारतवर्ष में भोमिया जी के नाम से प्रख्यात हो गए। भोमिया जी महाराज की पूजा राजस्थान गुजरात ही नहीं बल्कि समग्र भारत में की जाती है। भोमिया बाबा के नाम से भी वो जाने जाते हैं। आज भी आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के दिन भोमिया जी महाराज का भव्य जागरण होता है और भव्य मेला लगता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी रूणगढ़ में मेला लगता है। धन्य है वो शूरवीर जो गौ रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देती और सदा सदा के लिए अमर हो गए। और धन्य है ये राजस्थान की पावन धरा जहाँ पे ऐसे शूरवीरों का जन्म हुआ। हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम भोमिया जी महाराज के मंदिर के संपूर्ण दर्शन करवाएंगे। सभी भक्तजन इसका लाभ ले सकेंगे, घर बैठे भोमिया जी महाराज के दर्शन कर सकेंगे। हम भोमिया जी महाराज के संपूर्ण मंदिर के दर्शन करवाएंगे, रूण नगरी के आपको दर्शन करवाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास ही में बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट के अंदर जय भोमिया जी महाराज की लिखना मत भूलना। अगर हमसे इतिहास बताने में कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल चूक हुई है तो आप हमें क्षमा कर देना। हमें भोमिया जी महाराज के बारे में जितनी जानकारी थी वो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक साझा की है, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। अगर आपको इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी हो तो आप कृपया करके कमेंट के अंदर जरूर बताएं, हम इसके बारे में जरूर विचार करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय माता जी की सा, जय श्री रूणगढ़ भोबिया, जय सिंह देव जी सांकला की।